ओशिनोको वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है, और अगर इसे सिर्फ 3 शब्दों में समझाना हो तो मैं कहूँगा इसमें मिस्ट्री है, ड्रामा है और आइडल्स हैं। लेकिन अगर आप इस एनिमे को सच में फील करना चाहते हैं तो आपको एक बार इसे चेकआउट करना पड़ेगा। बात करें इसकी स्टोरी की तो वो शुरू होती है हमारी 2 मेन कैरेक्टर से, जिनकी अचानक डेथ हो जाती है और वो एक आइडल के बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। ट्विन्स होते हैं वो, और उस आइडल का नाम आई होता है, जो एक काफ़ी अच्छी आइडल होती है। हालांकि आई के काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं, जैसे कि एक बड़ा सीक्रेट तो यही है कि उन बच्चों का पिता कौन है, और दूसरा सीक्रेट है, ये स्पॉइलर नहीं है, कि आई का मर्डर कैसे हुआ, उस मर्डरर को आई की इंफॉर्मेशन किसने दी कि आई कहाँ रहती है, और किसने बताया कि आई के बच्चे भी हैं, और उसी अनजान हत्यारे को या कहो इन्फॉर्मेशन देने वालों को ढूंढने के लिए हमारा मेल मेन कैरेक्टर पूरी मेहनत करता है। इसका पहला एपिसोड बड़ा ज़रूर है, लेकिन वो मेरे ख्याल से ज़रूरी था ताकि स्टोरी को ठीक से एक्सप्लेन किया जा सके। लेकिन बाद के एपिसोड नॉर्मल ही हैं, 24 मिनट के, और इस एनिमे में जो साउंड ट्रैक्स यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आपको एक बार चेकआउट करने चाहिए। इसकी स्टोरी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती, आप उल्टा और ज़्यादा एक्साइटेड होगे कि आगे क्या होगा। और इसका सीज़न 2 भी अनाउंस हो चुका है, हालांकि इसकी अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन ये अनाउंस हो चुका है कि इसका सीज़न 2 आएगा और आना भी चाहिए। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस एनिमे को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है।